ये यह देखो यहाँ पूरी सूच चुकी है <laughs> फैमिली मैं <हो> <laughs> क्या कर रही है हेलो फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो फिलहाल अभी मेरे को स्कूल के लिए ले भी लेट ले ले हो रही है और अभी नाइन सिक्स हो रहा टाइम और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे तो बट अभी डॉली भी आने वाली है थोड़े दिन बाल बनाने गई है ना और गाय सुबह सुबह उठते ही मेरे साथ एक कांड हो गया फैमिली एक चीज़ दिखाऊँ आपको ये देखो ये पूरी सूझ चुकी है और पता नहीं क्या हुआ कैसे सू गई शायद रात को किसी ने काट दिया मेरे को तो काफ़ी दर्द हो रही है इसमें तो इसलिए मैं आज क्लासेस पहन के लिए जा रहा हूँ ताकि कोई मेरी मजाक ना उड़ाए दिखे ना क्योंकि ज़्यादा दिख नहीं रहा है ऐसे बट जो भी है थोड़ा बहुत दिख ही रहा है तो क्या कर सकते हैं हम फिलहाल अभी निकलते हैं स्कूल के लिए और आपसे अब सीधे घर आने के बाद ही मिलेंगे और आँख ऐसी हो रही है देखते हैं क्या होता है तो मिलते हैं आपसे बाद में चलिए फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी टू फोटी सेवन हो रहा है टाइम मतलब ढाई बजे तक हम घर पहुँच गए थे उसके बाद जो भी हुआ फिलहाल डॉली तो जल्दी आ गई थी घर बिकॉज डॉली का वो था ना टेस्ट एग्जाम था मतलब फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं डॉली के तो वो ख़त्म हो गया था डॉली का तो घर आ गई थी डॉली उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी मतलब और गाइज़ आँख का हाल दिखाता हूँ आपको तो ये देखो गाइज़ अब तो यहाँ पे थी सूजन सुबह सुबह अब यहाँ पहुँच गई है अब थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाइए फिर यहाँ आ जाइए फिर यहाँ आया आया नहीं तभी नहीं होगा खैर बट यहाँ आ गई है यहाँ पे थी यहाँ आ गई तो फैमिली अभी हमारा लंच भी हो गया एंड है है बाकी इधर हमारी मम्मी जो कि स्कूल गई थी घर आ गई है और मैं अभी रेडी नहीं वहां अभी मेरे को मार्केट जाना है और मेरी एक आंख पूरी फूल रखी है फुटबॉल बन रखा है बाकी डॉली सुबह से मेरे को चिड़ाने में लगी है क्या कह रही थी अब बोल कुछ <S Boulder> <Sus> <खुँछ> कहना है मैडम इसी ने कर रखा तो है डोल ने कर रखा है तो गाई यहाँ एक कांड हो चुका है दरअसल ये जो एयरफोन थे ना इसका एक तो ये रहा, ठीक है लेकिन दूसरा गायब है दूसरा मैं मत दिखाता हूँ आप लोग को तो ये है इसका दूसरा पोर्शन, जिसका सब कुछ गायब है और मेरे को इस लड़की पे शक है सच सच बता दे मम्मी इसी ने कर रखा है मम्मी कर रखा है, अम्मी अम्मी है। मम्मी मम्मी रही रही है ना बता। है तोड़ा है तोड़ टूट गया मतलब गलती से भी टूट गया तो बता दे ते टूटा बता देना है ना है ना सच नहीं बोल रही मैं क्या कर रही है <laughs> तो फैमिली में हो चुका हूँ तैयार और अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ मार्केट कुछ काम है मेरे को तो फैमिली घर से मैं निकल गया हूँ और अभी मैं सेटअप नहीं लेके आया हूँ आज दरअसल ऐसा होता है ना कि सब लोग देखते हैं तो अच्छा थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना और हर समय हाथ पे रहता है तो खाली लोग मेरे को आवारा समझेंगे इसके लिए आज नहीं ले जा रहा हूँ बस आज तो मेरे को वैसे भी काम ही है तो बस चल जल्दी जाता हूँ बाकी मौसम तो आज काफ़ी ग्रेट हो रहा है मतलब काफ़ी क्लियर मौसम है ठंडा भी है तो काफ़ी अच्छा वाला है ये मौसम बेस्ट लगता है तो फैमिली में पहुंच गया हूँ घर और यह है मम्मी जो कि क्या कहूँगा मैं मम्मी का भी बाकी मेरी एक आँख सूझी हुई है जैसा कि आपको पता ही है एंड यहाँ है हमारे पास एक एक पढ़ाकू बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा था बट अभी अपना मुंह हिला रहा है गंदी चीज़ें खा के सो फैमिली द मौसम वाज़ गेटिंग टू असम मतलब फाइव थर्टी सेवन हो गया टाइम साढ़े पाँच का टाइम ना हुआ है न ज्यादा उजाला है बस जो भी है काफी परफेक्ट मौसम हो रहा है फैमिली में बस ऐसे ही बैठा हुआ था हीटर के सामने और बाहर देखा तो क्या मस्त व्यू था गाइस मतलब इतना क्लियर दिख रहा है इतना मजा टाइप का आ रहा है ना बाहर देखने में एंड हेयर इज आर पुड्डू और हीरा और मोती तो फैमिली 6:30 का टाइम और दरअसल मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह करने लग गया था तो बस उसी चक्कर में मैं नहीं कर पाया ब्लॉक ज़्यादा और पता नहीं कैसे मैं पढ़ाई करने बैठ गया बस सिलेबस वगैरह मा मार्क कर रहा था मैं बाकी इन सब का सिलेबस मार्क करना था तो सबका मार्क कर दिया जिन जिन का करना था अब बस उसको रख देता हूँ तो फैमिली अभी आठ बजने वाला है और अभी मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आठ बजने वाले हैं और फैमिली अभी मैं कहीं जा रहा हूँ ना मार्केट तक मार्केट नहीं मतलब मैं चाची को लेने जा रहा हूँ दरअसल सोंदी जो है मेरी उसकी तबीयत हो रही है ख़राब तो चाची को हम ले आते हैं बाकी जल्दी जल्दी जल जाना पड़ेगा और अभी आठ बज गए हैं गाइस भरोसा नहीं हो रहा मेरे कसम से मैं कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखने लग गया था तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गया तो बस इसीलिए मैं वीडियो ही शूट कर पाया सब तबाह हो गया कि रात को मैं अकेले आया हूँ वैसे तो यूजली सुंदी आया करती थी बट आज नहीं है सुंदी तो फैमिली अभी मैं पहुँच गया हूँ घर और टाइम हो रहा है नाइन एंड मम्मी का भी बहुत कुछ काम चल रहा है यहाँ इतने सारे नेम चिट्स बना रखे हैं मम्मी ने मम्मी के स्कूल में पेपर आ रहे हैं ना तो छोटे बच्चों की हेल्प करने के लिए मम्मी ये सब काम कर रही है बाकी जो भी है अभी मैं फिलहाल बिना सेटअप के लॉक कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि वॉइस क्वालिटी काफ़ी गंदी आ रही होगी थैंक यू सो मच तो फिलहाल अभी डॉली पता नहीं क्या कर रही है मम्मी तो खैर अभी नेम चिट्स और अभी मैं आ रहा हूँ बाहर से मैं और मुझे ब्लोअ नहीं दिया जा रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है डॉली हट जाए यार प्लीज़ तो फैमिली फ़िलहाल अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने स्टूडियो में और स्टूडियो है मेरा यस इट्स माइन कितनी मेहनत से बनाए हैं आप नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं तो फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं आप और देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए जो शुरू शुरू की वीडियोज़ हैं उनको देख के आपको पता चल जाएगा फिलहाल आज जो ब्लॉग्स हो रहे हैं काफ़ी 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 ज़्यादा छोटे हो रहे हैं तो आई थिंक ये कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बट फिलहाल ये चीज़ें थोड़े टाइम बाद ही हो पाएंगी बिकॉज हाफीअलीस आ चुके हैं मेरे एंड गाइज़ उसके बाद जो हॉलीडेज पड़ती है ना उस पर तबाही होने वाली है कुछ तबाही होने वाला है गाइज़ बहुत तबाही चीज़ होने वाली है तो वो हम अभी रिविल नहीं कर रहे हैं क्या होने वाला है बट जो भी होने वाला है काफ़ी दिल छू छुले, छू लेने वाला होने वाला है बाकी जो भी है फिलहाल अभी सारा रास्ता तो नहीं खोल सकता मैं बट जो भी है कुछ खतरनाक होने वाला है इवन मेरे घर वालों को भी नहीं पता है ना डॉली को पता है किसी किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है बस आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि कुछ खतरनाक होने वाला है एंड गाइज मेरी आँख की हालत ना तो गाइज़ फ़िलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी पढ़ लेता हूँ बट पढ़ने का टाइम है नहीं बस सोच ही सकते हैं अभी और पढ़ाई के लिए मैं सोच रहा हूँ कल हॉलीडे ले, ले, ले लेता हूँ एंड क्योंकि कल मतलब थोड़ी मैंने मैथ्स मैथ्स मेरी बिल्कुल ऐसे था ना ग्राफ ऊपर था वैसे ऐसे हो रहा है तो थोड़ी मैथ्स सीखनी पड़ेगी और बाकी मार्क्स तो ठीक ठाक ले ही आऊँगा मैं इतना मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है और ख़ुद पे विश्वास रखना सबसे बड़ी बात होती है मार्क्स से ज्यादा आपकी नॉलेज मायने रखती है जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी मार्क्स डजेंट मैटर अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कान डिसाइड योर फ्यूचर एंड योर गोल्स तो गाई जो आपको करना है आप कर सकते हैं किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है जैसे अपना इंटरेस्ट व्लॉगिंग और आर्ट्स में आया हुआ है तो थोड़ा हम इस चीज़ को अपना रहे हैं अपनी लाइफ में और गाई बाद में मेरे मेरे को में को पता है कि कुछ टाइम नहीं होने होना मेरे को अपनी लाइफ में तो अभी मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ तो बस अभी टाइम है तो अभी मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ बाकी फ्यूचर की चिंता अभी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ नहीं मेरे को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है ज़्यादा टाइम होने वाला है नहीं मेरे पास क्योंकि बोर्ड्स के बाद फिर इलेवंथ ट्वेल्थ फिर लाइफ तो आपको पता ही है क्या हो जाएगी जो लोग इस टाइम से गुजर चुके हैं उन लोग को पता होगा बाकी व्लॉग करने में आप ये मत समझना कि पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है दरअसल ऐसा होता है ना कि दिन भर में आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेने होते हैं मान लो जैसे मैंने सुबह से जब कुछ किया क्या मैं सुबह से सब कुछ कर देना कैमरे थोड़ा ना हाथ पे रहता है तो यही चीज़ें बाकी एक हाथ में दर्द हो गया है तो फिलहाल गाई यही बात बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा बस रात को जो एडिटिंग करने में हालत ख़राब होती है ना सच्ची बोल रहा हूँ दिल टूट जाता है यार मतलब ऐसी हालत ख़राब होती है कि टाइम वेस्ट सारा मतलब एक घंटा एडिटिंग में लग जाता है थोड़ी देर वीडियो कभी कभी अनस्टेबल होती है उनको स्टेबल करना पड़ता है बाकी काफ़ी दिक्कतें आती हैं काफ़ी वो तो हम ही जानते हैं खैर जो भी है फ़िलहाल अभी मैं आपको साथ ये सब शेयर करना चाहता था और बाकी मेहनत करो कुछ बड़ा करो अपनी लाइफ में और ज़्यादा बड़ा नहीं भी कर सकते हो तो अपनी लाइफ को ऐसा करो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें कुछ ऐसा करो कि आपके घर वाले और आप अपनी लाइफ में खुश रहें और आपके घर वालों को भी रिग्रेट ना हो कि भाई बच्चा हमारा बिगड़ रहा है और बिगड़ना कभी मत गलत रास्ते में कभी मत जाना भाई सही रास्ते में रहना और ऐसा काम करना कि भाई घर वालों को भी दिक्कत ना हो जिस चीज़ से बाकी मैं अपनी बात करूँ तो ब्लॉगिंग मेरे को घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज है ना मैं समझता हूँ बट अपनी लाइफ में अपनी तरफ से जीना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट करते ही हैं ऐसी थोड़ी ना ये माइक और सेटअप दिला रखा है थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करते ही हैं तो यही सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है और इस सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोग का साथ भी चाहिए गाइस जो कि मौत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली बस यही दुख था मेरी लाइफ में और ब्लॉग भी काफ़ी छोटा और था तो आज मैंने सोचा कि अपने दुख अपनी है मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और शेयर कर लिया मैंने काफी अच्छा लगा शेयर करके और कुछ लोग का आदत होती है ना कि डायरी वगैरह लिखने की वगैरह वगैरह तो इन आदतों से दूर रह के अपनी लाइफ को खुल्लम खुल्ला बताओ यार जो लाइफ में किससे छुपाना है अपनी लाइफ में हम अपनी तरफ जीरेंगे भाई अब डायरी में लिख रहे हो अपने राज दबा के क्या फ़ायदा है अभी मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं अपनी जितनी भी दिल की बात है जितनी दिल की भड़ास है मैं सारी यूट्यूब पर निकाल रहा हूँ सब लोग देख रहे हैं पता चल रहा है लोगों को कि क्या चल के आ रहा है मेरी लाइफ में तो बस इस चीज़ में कोई मेरे को गलत नहीं लगता है अपना मतलब भेजा खराब करने से अच्छा मैं अरे क्या <laughs> तो अपना भेजा खराब करने से अच्छा मैं सबको एंटरटेन भी करूँ और अपनी लाइफ भी जीऊँ और फैमिली एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर कोई दुख तकलीफ हो तो अपनी खुलम खुला शेयर करा करो फैमिली के साथ बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जो दोस्तों के साथ भी नहीं कर सकते वो दिल में तो मती दबा के रखना किसी अकेले जगह पे जाना वहाँ बोलते रहना अपनी मनी मन में तो ये भी काफ़ी सही चीज़ रहती है मतलब एक लोगों को पागलपन लगेगा बट कभी कभी मैं भी ऐसी करता हूँ बट ऐसी कोई मेरी लाइफ में ऐसी कोई बात रहती नहीं है करने लायक और गाइज जो लोग मेरे को मतलब पॉइंट आउट करते हैं हेट करते हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और अगर आपको देखना है कि मैंने क्या प्रोग्रेस की है इतनी इतने टाइम से यूट्यूब पे छः महीने ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो और अभी की वीडियो जाके देखो तो अंतर जो है ना आपको ऐसे ऐसे पता चल जाएगा सेकेंड्स में और नहीं पता चलेगा फिर कॉन्टैक्ट करो हमें इंस्टा पे इंस्टा पर कर लो इंस्टा की आइडिया आपको हम नीचे दिखा देंगे ऐसे दिख रही होगी ऐसे तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं नहीं करना है तो मत करो बट देख सकते हो हमें कि हम इंस्टा पे भी हैं एंड यूट्यूब चैनल आप हमारा देख ही रहे हो मतलब जिस कोई वीडियो देख रही है वो देख ही रहा होगा फैमिली इतना ज़्यादा मैंने आपको भाषण दे दिया है ना कसम से मैं अपनी लाइफ से तो दूरी हट गया था और ये मेरी लाइफ है देख रहे हैं आप पे ये चीज़ और सबसे मतलब मेरे को जो टफ बेकार सब्जेक्ट लगता है वो है सिविक्स क्योंकि मतलब ना इसमें मेरे दिमाग खराब हो जाता है बट अभी की जो अच्छी है अभी इस टाइम की तो अच्छी है क्योंकि इसमें सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है हमारे हिसाब से फ़िलहाल आर्ट वर्क्स आर्ट वर्कस कब कर, करूँगा मैं आर्ट्स यार बहुत मन होता है पता है, खोल के देखने में हुए हुए छोड़ो यार कहीं अभी लग गया मैं इस चीज़ में तो लेट हो जाएगी तो अभी चलते हैं डिनर वगैरह करेंगे बाकी पूजा वगैरह मैंने पहले ही कर दी थी जय श्री राम चलते हैं गाइस एंड फैमिली वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग के साथ मुझे बातें शेयर करके काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हो भले ही समझना आती हो कोशिश करना कभी ना कभी समझ आएंगी और कभी ना कभी यूज़फुल लगेंगी मेरी बातें क्योंकि जो मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और कभी कभी मिस्टेक्स भी जाती है मेरे वर्ड्स में तो वो तो चलता है यार थोड़ा बहुत अभी तो परफेक्ट थोड़े ना हम बाक़ी जो भी है लाइफ में अच्छे रहना चलते हैं फिलहाल अभी हम डिनर कर लेते हैं फैमिली फिलहाल अभी डिनर का टाइम हो चुका है डॉली कर रहा है पढ़ाई एंड मम्मी जी भी कुछ कर रही है खाना खाना लगा रही है सबके लिए और मेरे को हिचकियाँ आ रही है बाकी हम करता है डिनर आप भी करो आप ब्रेकफास्ट करो तो हम अपना काम करते हैं आप अपना काम करो फिलहाल डिनर करने के बाद मिलते हैं आपसे तो फैमिली हो चुका है हमारा डिनर डिनर हो गया डिनर एंड डॉली का कल है एग्जाम डॉली शकल दिखाया यार एक बार एक बार एक बार यह है डॉली की शकल और किसका एग्जाम है इंग्लिश का एग्जाम है आई थिंक सो है इंग्लिश ही है और गाइज ये पुख्ता हो चुका है कि कल मैं स्कूल नहीं जाने इज टेल यू और गाइज अभी टाइम देखो इलेवन फोर तो फैमिली फिलहाल अभी बच चुके हैं रात के, है, के साढ़े ग्यारह और अभी फिलहाल ज्यादा मत कर तो फिलहाल तो फिलहाल डॉली का कल है एग्जाम एंड का इस कल मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो जब आपको ये व्लॉग मिलेगा उस दिन मैं स्कूल नहीं आने वाला हूँ तो सुबह आठ बजे आपको इन्फॉर्मेशन गई होगी कि मैं स्कूल क्यों नहीं आने वाला हूँ वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ बाकी कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी कल सुबह आठ बजे तो मतलब अभी आपको मिल गई है जब आप देख रहे हो तो जो भी आपको रीज़न मतलब पता चल गया कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ स्कूल और ठीक है फिर बताए क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं आखिर फैमिली आज के व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड आशा करता हूँ कि आप लोग का मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल में सब्सक्राइब कर देना अब मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में और मेरी आंखों के लिए दुआ करो कि सही हो जाए तो मिलते हैं फैमिली अगले व्लॉग में बाय फैमिली <laughs> क्या क्या हो गया <laughs> अरे क्या हो गया <laughs> डोली मोदी का एक बार क्यों हंस रही ये चे चे। है अच्छे अच्छे। प्रेशर आया क्या सकल तो मिनट <दिखा> <laughs>